आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। देखते हैं आज हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में द splash ऑफ अ स्टोन इन वेल इज हर्ड टी इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो थ्री सेकेंड्स After the stone is let fall, calculate depth of the well if velocity of sound in the well is 400 meters per second. ये एक सिंपल सा सवाल है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे ठीक है ये आ, हम पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ये है आपका वेल जिसका कुछ डेप्थ होगा H. और नीचे कई होगा पानी ये होगा पानी और हमें ये एच निकालना है जो है डेप्थ ऑफ द वेल ये एच अब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक स्टोन लिया हमने और उस स्टोन को नीचे फ्री फॉल में गिरने दिया अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल तो वो टी वन टाइम बाद यहाँ पहुँचेगा आफ्टर टाइम टी वन सेकेंड्स जिसके बाद वो पानी के सरफेस से टकराएगा और एक स्प्लैश साउंड क्रिएट होगा अब स्प्लैश साउंड जो है वो ऊपर हमारी ओर ट्रैवल करेगा एट अ स्पीड ऑफ फोर हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड और कुछ टाइम से आफ्टर टाइम टी टू टी टू सेकेंड्स बाद ये साउंड हमारे कान तक यहाँ पहुँच जाएगा राइट right? ये सपोज हमारे ईयर्स हैं आफ्टर टी टू सेकेंड्स ये साउंड हमारे कान तक पहुँचेगा और हमें दिया गया है टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टू पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री सेकेंड्स और हमें निकालना है एच का वैल्यू तो ये है आपका क्वेश्चन आप एक स्टोन को पहले फ्री फॉल में गिरने दे रहे हो वो t1 वन सेकेंड्स बाद वाटर सरफेस तक पहुंच रहा है वहाँ से स्प्लैश साउंड का क्रिएशन हो रहा है जो t2 टू सेकेंड्स बाद आपके कान तक पहुंच रहा है हमको t1 वन प्लस टी का वैल्यू दिया गया है और हमें h का वैल्यू निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एच वन टी को हम कैसे लिख सकते हैं तो t1 के लिए हम फ्री फॉल का इक्वेशन यूज़ करेंगे फ्री फॉल में क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आपको याद हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर इस केस में हमारा ए होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी टी है हमारा टी वन और यू है इनिशियल वेलोसिटी जो कि होगा जीरो क्योंकि हम फ्री फॉल में स्टोन को गिरा रहे हैं और एस होगा हमारा एच डेप्थ ऑफ द वेल तो ये इक्वेशन बन जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी T1 square, जिससे हम कह सकते हैं कि T1 square is equal to 2h by g and T1 is equal to root over 2h by g. ये है आपका T1 का एक्सप्रेशन. अब हम आते हैं T2 कैसे निकालेंगे इस पे. T2 कौन सा टाइम है? इस सरफेस से वापस यहाँ तक आने का टाइम वो है टी टू आपको वी दिया गया है 400 हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड जो साउंड का स्पीड है h आपको निकालना है h होगा डिस्टेंस का वर्ड तो टी टू होगा h बाय फोर हंड्रेड ये आ गया आपका टी टू का एक्सप्रेशन अब हमें कुछ नहीं करना बस टी टू प्लस टी वन को ऐड करना है और 2.053 से इक्वेट करना है t1 वन प्लस टी हमें दिया गया है 2.053 पॉइंट सेकेंड्स जो होगा h बाई फोर हंड्रेड प्लस रूट टू एच बाय जी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ ले रहे हैं g इज़ इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप इस इक्वेशन को नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी होंगे और आपको आंसर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए यहाँ मेरा आपसे ये एडवाइस रहेगा कि आप एक अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करें जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ तो हम क्या करेंगे हम एच बाई फोर हंड्रेड को इस तरफ लेके आएंगे हमारे पास होगा टू पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री माइनस एच फोर हंड्रेड होल स्क्वायर इजिक्वल टू टू एच बाय टेन जो होगा एच बाई फाइव ठीक है अभी इस स्क्वायर को एक्सपैंड करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे ठीक है अब आपको पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लेकिन इस केस में हमारे पास जो h बाई फोर हंड्रेड है वो वैल्यू काफ़ी छोटा होगा अगर हम रियलिस्टिकली एक वेल well के साथ एक वेल well के डेप्थ के साथ 400 हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड 400 ये वैल्यू को कंपेयर करें तो आप ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं कि एक वेल well के डेप्थ के कम्पेरिजन में स्पीड ऑफ साउंड का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी बड़ा होगा लाइक इस केस में आपको एक प्रॉपर अप्रॉक्सीमेट सा आंसर आ जाएगा अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन मान के चले तो तो हम क्या करेंगे हम बी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा वैल्यू होगा एच बाई फोर हंड्रेड ऐसा हम मान रहे हैं तो इससे हमें मिलेगा टू पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री होल स्क्वायर माइनस टू टू पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री इन टू एच फोर हंड्रेड टू एच फाइव ये टू और ये टू कैंसिल होके एच बाई टू हंड्रेड बना देंगे ठीक है टू पॉइंट जीरो फाइव थ्री होल स्क्वायर जो होता है फोर पॉइंट टू वन फोर माइनस टू पॉइंट जीरो फाइव थ्री एच टू हंड्रेड इज इक्वल टू एच बाय फाइव ठीक है तो ये है आपका इक्वेशन अभी हम वापस इसको इस साइड ले जाएंगे ताकि हम सब कर पाए तो एच बाय फाइव माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस टू पॉइंट जीरो फाइव थ्री एच बाई टू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू वन फोर टू हंड्रेड इन फोर्टी तो ये हो जाएगा फोर्टी एच प्लस ये रहेगा टू पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री एच इज़ इक्वल टू फोर पॉइंट टू वन फोर यहाँ से आपको मिलेगा फोटी टू पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री एच बाई टू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू वन फोर मतलब यहाँ से एच का वैल्यू आपको मिल जाएगा फोर पॉइंट टू वन फोर इन टू टू हंड्रेड बाई फोटी टू 0.053. थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन इतना तो आपको करना ही होगा इससे आपको आंसर आएगा कुछ 20 मीटर्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 मीटर्स के आसपास आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सिंस इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाए तो वो लोग एक रेंज ऑफ वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे अगर आपका आंसर अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके आंसर उस रेंज में ला पाते हो तो फिर आपको करेक्ट करेक्ट आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो आपका आंसर एग्जैक्टली exactly नहीं बट अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मीटर्स के आसपास होना चाहिए थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर